हेलो, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप ई इनवॉइस या ई वे बिल टैली से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीएसपी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। तो आप जीएसपी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो ये आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये मेरा ई वे बिल का पोर्टल लॉगिन है, ओके। तो इसमें हम यहाँ पर जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, यहाँ ऑप्शन होता है फॉर जीएसपी। इस पर जैसे ही हम जीएसपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओटीपी आएगा, ये आपकी ईमेल पे भी आएगा और ये आपके मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो उस पर भी आएगा। तो ये ओटीपी आपने डालना है और इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करते ही हाँ, ये आपसे, अगर आपका पहले से जीएसपी में रजिस्ट्रेशन है तो व्यू आपको दिखा देगा। आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड न्यू करेंगे। अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है, उससे आपके ई वे बिल पे मतलब आपके वो काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम ऐड न्यू करेंगे और ऐड न्यू में जीएसपी लेंगे। यहाँ पे आप टैली से बिल बनाना चाहते हैं तो टैली हमारा जीएसपी है। और यहाँ पे आप तीन कोई भी कैरेक्टर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं API ही ले लेता हूँ। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे बनाना है तो वो आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड के अंदर आपको हर तरह का कैरेक्टर यूज़ करना है, कैपिटल लेटर भी यूज़ होना चाहिए, उसके बाद आपका छोटा स्मॉल लेटर भी, और कोई एक कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ होना चाहिए और नंबर्स भी यूज़ होने चाहिए। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हमारा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरह से ये आपका जीएसपी में दिखा देगा। तो अब व्यू में डिटेल दिखा रहा है कि आपका टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जीएसपी है, आपका जीएसटी नंबर ये है, आपका यूज़र नेम ये है और ये एक्टिव है टाइप जीएसपी। यहाँ आपने किस यूज़र नेम से इसको रजिस्टर्ड किया है वो डिटेल भी दिखाएगा, कब आपने रजिस्टर्ड किया है वो भी दिखाएगा। तो इसको यूज़ करके आप टैली पे अपने ई वे बिल डायरेक्टली बना सकते हैं विदाउट पोर्टल को लॉगिन किए। तो थैंक यू वेरी मच।